इतना अमेजिंग सा रेड सॉस पास्ता लग रहा है ना, मतलब भाई साहब देखने में तो अमेजिंग लग रहा है यार। अभी ना मैं टेस्ट करता हूँ एंड बताता हूँ कि टेस्ट में कैसा है। Hey guys, good morning, welcome to my new blog। एंड आज का सीन बहुत ही मस्त हो रखा है। फिलहाल तो आप सबसे पहले मिलिए हमारे यहाँ के कुछ हंगरी लोगों से। भाई साहब इनका बस एक ही काम है, सुबह उठते उठते खाने पे टूट पड़ना, बिकॉज आप देख सकते हैं नाश्ता करके प्लेट सामने ही पड़ा हुआ अभी तक, ठीक है। मतलब यार इनका मतलब काम कुछ ऐसा है ना कि सुबह उठते उठते, छोटी का तो मतलब काम ही अलग है, वो तो सुबह उठते उठते पढ़ाई करती है तो उसको 8-9 बजे के आसपास में भूख लग जाता है। जैसे मैं जिस टाइम में उठता हूँ तब तक वो नाश्ता करके रेडी रहती है, बट आज मैं जिस टाइम में उठा हूँ तब मैंने उसे पकड़ लिया है नाश्ता करते हुए, इस वजह से ब्लॉग में दिखाना तो बनता है ना बॉस। एंड साथ ही साथ हमारे यहाँ के कुक से मिलिया, कुक मतलब मम्मी से मिलिए, ठीक है, जो कि सुबह सुबह उठ के इतना सारा मतलब क्या कहते हैं काम कर लेती हैं, ठीक है। एंड एक हम है बेरोजगार लोग, सुबह सुबह उठ के बस क्या करना है तो ब्लॉग ही बनाना है, ये भी तो रोजगार है। लेकिन सही बात है यार, बेरोजगार कैसे हुए, मेहनत तो इसमें भी है, पूरे दिन में कितना कुछ बोलना रहता है, बोल करके एक घंटा डेढ़ घंटा का ब्लॉग बनता है, उसको शॉर्ट करके मतलब हम लोग 10-8 मिनट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। मेहनत तो है यार, मतलब मुझे नहीं पता था इतना मेहनत लगता है, बट मम्मी ने बता दिया कि हाँ मेहनत तो है, तो ठीक है यार, मेहनत का कुछ नहीं होता है। मम्मी के कहे अनुसार कि बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है, तो चलता है अभी हम भी थोड़ा मेहनत करते हैं, मस्त ब्रश करते हैं, नहाते धोते हैं, हम भी खाने पे टूट पड़ते हैं। फिलहाल ना मस्त अपना नहाना धोना हो चुका है, नहाने धोने के साथ साथ मस्त अपना गर्मा गर्म नाश्ता भी आ चुका है, पराठा एंड भुजिया, तो हाँ अभी ना फटाफट से इसको निपटाते हैं। एंड भाई साहब साथ में ना भिंडी भी है। फिलहाल ना मस्त अपना नाश्ता पानी हो चुका है, एंड अभी नाश्ता करने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा मतलब रेस्ट ले लूँ, बट भाई साहब हमारे नसीब में अब तो जान ही रहे रेस्ट है ही नहीं, अभी हमें काम मिला है। पता है क्या, ये जो होटल का जो छत है ना ये वाला, इसको रिपेयर करने का काम मिला है, मतलब इस पर ना ये टीन के जो करकट है ना इधर गिरे हुए एंड और भी 3-4 हैं वो सब इस पर चढ़ाने हैं, ठीक है, असेंबल करने हैं। तो भाई साहब ये तो मुझसे अकेले होगा नहीं, इसमें ना मुझे मुकेश का एंड मोनू का दोनों का ही साथ चाहिए होगा, तो पहले ना चलते हैं मोनू से कन्फर्म करते हैं कि वो साथ देगा कि नहीं, बिकॉज मुकेश तो कभी मना करेंगे ही नहीं। तो पहले ना भाई हमेशा ऐसा ही होता है यार, मैं आगे से बोलते बोलते पीछे आता हूँ, कभी सोफे पे कभी बाइक पे टकराता ही रहता हूँ, मतलब गिरना और ये सब करना ना मतलब नौटंकी करना हमारे नसीब में ही लिखा है, ठीक है। तो फिलहाल ना मोनू से कंफर्म करते हैं वो हमारा साथ देगा कि नहीं। मोनू होटल का छत असेंबल करना है, चलो साथ देगा। आई एम थिंकिंग डैट मोनू इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी, ठीक है भाई फिर से टकरा है। तो मोनू तो मुझे लग रहा है हेल्प करने के मूड में नहीं है, बट मुकेश जी का भी साथ मिल जाए तो मैं पूरा काम निपटा लूँगा भाई, जब मैं बोलता हूँ तभी फ़ोन बजाते हैं भाई। ओ मुकेश भाई कहाँ गए, ओए मुकेश भाई ओए इधर आओ ना यार, ये वाला छत बनाना है, बना दे अभी कैसे बनते जा रहे हो तो भैया, वो धूप रहे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को बनाना है तो बनाना है, बोलिए जल्दी। हाँ, ये कुछ बोल नहीं रहे, मतलब नहीं ये कुछ बोल नहीं रहे बट इसका मतलब वही है, ठीक है चलता है फटाफट से अपने काम में भिड़ जाते हैं। फिलहाल ना मुकेश जी के कहे अनुसार भाई साहब जैसा कि अभी बहुत ज़्यादा धूप हो रखा है, ठीक है, एंड मुकेश ना यहाँ पे मस्त अपना दूध का कुछ काम कर रहे हैं, मतलब पेड़ा है ये सब बनाने का काम कर रहे हैं। मुकेश काम क्या कर रहे हैं, मुकेश तो रेस्ट कर रहा है भाई। तो मुकेश जी के कहे अनुसार हम ये जो छत बनाने का काम है ना ये हम शाम को करेंगे, बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा धूप भी है एंड बहुत ज़्यादा थकान भी हो जाएगा, एंड ये काम दो लोगों से क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई साहब इसमें ना 6-7 टीन के करकट लगाने हैं, ठीक है, एंड भाई दो लोगों के बस की बात है ही नहीं यार, मतलब अगर दो लोग करना भी चाहे ना तो भाई साहब परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाएंगे, तो ठीक है यार कोई बात नहीं है। फिलहाल हम शाम तक का वेट करेंगे एंड मैं मुकेश मोनू पापा हम सब भिड़ जाएंगे, एंड वैसे भी अभी तो पापा घर पे है ही नहीं, बिकॉज पता नहीं कहाँ गए हुए हैं, मुझे तो पता नहीं है, मम्मी को पता होगा हो सकता है, तो कोई बात नहीं है। फिलहाल हम अभी जस्ट दुकान संभालेंगे, दुकान पे ही बैठते हैं एंड मस्त तारक मेहता देखते हैं। मस्त दुकान संभालते तो पता ही क्या, इतना ज़्यादा बोर लगने लगा ना, मैं क्या बताऊँ यार, मतलब कोई कस्टमर आ ही नहीं रहे थे एंड मुकेश भाई भी अपने काम में भिड़े हुए थे एंड मैं तारक मेहता देख देख के थक चुका था, बिकॉज एक ही एपिसोड कितनी बार देखोगे यार। एंड पता ही क्या, इन सब के अलावा मेरे दिमाग में एक चीज़ बहुत ही ज़ोरों से उछला, सुबह से मैंने एक भी कप चाय नहीं पिया यार,
तो मस्त मैंने गर्मा गर्म चाय बनाया एंड अभी मेरे पास चाय आ भी चुका है। तो हाँ अभी ना फटाफट से चाय निपटाते हैं, इसमें चाय आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल चाय वाय पीने के बाद ना अभी जस्ट हम सोच ही रहे थे कि मतलब जो होटल का छत था ना उसको रिपेयर करने का, बट भाई साहब पता है क्या, दोपहर के टाइम में इतना ज़्यादा धूप था कि हम काम नहीं कर पाए एंड जैसे ही शाम हुआ भाई साहब बारिश स्टार्ट हो गया, तो अब फिर से काम नहीं कर पाएंगे। बट हाँ आई एम एक्सपेक्टिंग दैट फटाफट से बारिश रुक जाए एंड आज का काम आज ही हम निपटा पाए, बिकॉज यार आज का काम कल पे टालने में ना मज़ा नहीं आता यार। अगर आज कोई काम करने का सोचे तो भाई साहब आज ही वो काम करेंगे, चाहे वो होटल का छत सुधारना हो या फिर अपने लिए मस्त गर्मा गर्म पास्ता बनाना हो। भाई साहब मतलब पता ही क्या, जैसे ही ना आप टाइम एक बार चेक करो यार, शाम के 4 बजे सुबह का नाश्ता किए हुए हैं, दोपहर में तो खाना वाना लंच वंच हुआ नहीं अपना एंड अभी शाम मतलब शाम होते ही छोटी का ना ऑर्डर आया है कि भैया मैगी या पास्ता कुछ भी बनाओ, ठीक है। तो अब छोटी का ऑर्डर सुनने के बाद ना भाई साहब पास्ता खाने का आज मन मेरा भी कर रहा है, तो चलता है मस्त गर्मा गर्म पास्ता बना। फाइनली अपना पास्ता बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे वो फटाफट से कट चुके हैं एंड साथ ही साथ मस्त अपना पास्ता भी बॉयल हो चुका है एंड अब फाइनली फटाफट से पास्ता बनाते हैं एंड आज बनेगा मस्त गर्मा गर्म हॉट एंड स्पाइसी रेड सॉस पास्ता। तो फटाफट से बनाते हैं भाई। भाई साहब मतलब रेड सॉस पास्ता बना रहा हूँ यार एंड कितना मस्त बन रहा है आप चेक कर सकते हैं एक बार। भाई इतना अमेजिंग सा लग रहा है ना, मतलब मैं क्या बताऊँ यार, एंड बनने में तो भाई बहुत ही अच्छा दिख रहा है बट टेस्ट में कैसा रहने वाला है ये मैं आप लोगों को खाने के बाद बताऊंगा। तो वेट करिए यार जब तक ये पूरा रेडी ना हो जाए। भाई इतना मस्त दिख रहा है ना भाई साहब, एकदम टेस्टी सा यार। फाइनली मस्त अपना गर्मा गर्म हॉट एंड स्पाइसी पास्ता बनके रेडी है, सो फटाफट से निपटाते हैं भाई। एंड भाई साहब रेड सॉस पास्ता ना इतना अमेजिंग लग रहा है देखने में ना, मैं क्या बताऊँ। भाई साहब फिलहाल ना मैंने तो देख ही लिया था कि मतलब इतना अमेजिंग सा लग रहा है, बट अभी आप लोग भी देख लो यार, इतना अमेजिंग सा रेड सॉस पास्ता लग रहा है ना, मतलब भाई साहब देखने में तो अमेजिंग लग रहा है यार। अभी ना मैं टेस्ट करता हूँ एंड बताता हूँ कि टेस्ट में कैसा है। भाई साहब इतना अमेजिंग टेस्ट है, इतना अमेजिंग है एंड हॉट एंड स्पाइसी है, तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है बस बहुत ही मस्त बना यार, इतना अमेजिंग सा बना ना मैं क्या बताऊँ। अभी फटाफट से इसको चेक करते हैं। फिलहाल ना जब तक मैं पास्ता खा रहा था भाई साहब बाहर में ना बारिश एकदम रुक चुका है एंड बाहर का ना मौसम इतना मस्त वाला हो रखा है ना, हैव अ लुक, लुक एट दिस। भाई इतना अमेजिंग सा मौसम हो रखा है ना, मतलब बादलों का तो अलग ही बात है यार, बट भाई आप ना पेड़ देख सकते हैं इतना हरा हरा मस्त, एकदम मस्त लग रहा है यार। एंड बादलों का तो भाई साहब बात ही अलग रहता है हर बार का। एंड इसी वाले सीन में और पास्ता खाने के बाद मुकेश मस्त गर्मा गर्म चाय लेके आ गए, तो हाँ फटाफट से चाय निपटाते हैं एंड इसके बाद फटाफट से अपना काम भी निपटाते हैं यार। अभी तक होटल का छत रिपेयर नहीं हुआ है तो फटाफट से उसको निपटाते हैं, पहले चाय उसके बाद अपना काम। फाइनली जो होटल का छत रिपेयर करना था ना आप चेक कर सकते हैं, भाई साहब रिपेयरिंग कंप्लीट हो चुका है। होटल के ऊपर ना मतलब जो टीन का करकट चढ़ाना था भाई साहब पूरा का पूरा करकट चढ़ चुका है एंड आप ना मेरा हालत एक बार चेक करो यार, इतना ज़्यादा मेहनत हुआ है उस टाइम से ना मैं क्या बताऊँ। एंड अब भी जाके ना थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है, बिकॉज बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि मतलब ये वाला काम करना है, बट आज फाइनली मैंने एंड मुकेश जी ने हम दोनों ने ही मिलके सारा काम निपटारा कर दिया। तो अब फटाफट से ये सारे काम तो निपट गए, अब फटाफट से चलते हैं, फटाफट से नहा धो लेते हैं बिकॉज हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो रखा है भाई, नहाए बिना तो मतलब मन मानेगा नहीं एंड नहीं नहाएंगे तो भाई साहब नींद आएगा नहीं। तो फटाफट से चलते हैं, फटाफट से मस्त नहा लेते हैं। फिलहाल ना मस्त अपना नहाना धोना हो चुका है एंड भाई साहब जैसे ही अपना नहाना धोना कंप्लीट हुआ ना भाई क्या तगड़े वाला बारिश स्टार्ट हुआ है, मतलब मैं क्या बताऊं यार। एंड पता है क्या, अच्छा हुआ आज ही हम लोग टीन का करकट जैसे ही रिपेयर करके छत से नहा के उतरा, भाई क्या मतलब मैंने कहा भाई साहब अगर रिपेयर करते हुए ही अगर इतना तगड़ा वाला पानी आता ना तो भाई रिपेयरिंग तो आज हो ही नहीं पाता यार, वो टीन का जो करकट ऊपर में चढ़ाना था ना वो हो ही नहीं पाता। बट ठीक है यार सारा काम हो चुका, मस्त नहाना धोना भी हो चुका एंड इसी के साथ बहुत सारा मेहनत भी हो चुका एंड भाई साहब अब मैं जा रहा हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने। तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बाकी आपके जो मर्जी करिए यार, टेंशन फ्री रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय। इतना अमेजिंग सा मौसम हो रखा है ना, मतलब बादलों का तो अलग ही बात है यार, बट भाई आप ना पेड़ देख सकते हैं इतना हरा हरा मस्त, एकदम मस्त लग रहा है यार।